गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू. व्हाट इज प्लेस वैल्यू एंड व्हाट इज फेस वैल्यू. द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट बिकॉज ऑफ इट्स प्लेस इन द नंबर. द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन द नंबर is the value of the digit because of its place in the number. Place value किसी भी digit का उस कोई भी नंबर जब हमको दिया हुआ रहता है और उसमें किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू जब हम देखते हैं तो वो उस डिजिट का उस नंबर में जो प्लेस है उसके अकॉर्डिंगली उसका क्या वैल्यू है उसको प्लेस वैल्यू कहते हैं. एक एग्जांपल एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे. लेट अस सी एन एग्जांपल. 256 हियर 6 इज एट वन्स प्लेस, 5 इज एट टेंस प्लेस एंड 2 इज एट हंड्रेड प्लेस. What is the place value of 6? Place value of 6. Because 6 is at 1's place, so we have to multiply 6 by 1. So the place value of 6 is 6. Place value of 5. Here 5 is at 10's place. So we multiply 5 by 10. 5 into 10 because 5 is at 10th place, so here we multiply 5 by 10. So the place value of 5 is 50. Similarly, to find the place value of 2, we see here 2 is at 100th place. So we multiply 2 by 100. So the place value of 2 is 200. यहाँ हम देख रहे हैं कि हम जब भी place value निकाल रहे हैं 6 का प्लेस वैल्यू 6 है क्योंकि 6 वन्स प्लेस पे है, इसलिए 6 इंटू 1 6 हुआ. 5 का प्लेस वैल्यू 50 है क्योंकि 5 जो है वो 10th प्लेस पे है, यानी 5 टाइम्स 10, तो 5 इंटू 10 50 है. और 2 हमारा 100th प्लेस पे है, इसलिए 2 इंटू 100 200 इज इट्स प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ 2 इन द नंबर. Okay, now we have to find face value. Let us know about face value. What is face value? The face value of a digit in the number is the digit itself, is the digit itself. जो फेस वैल्यू है किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू वो डिजिट खुद ही होता है. नंबर में उसका कोई भी प्लेस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर हम किसी भी नंबर का किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू जब फाइंड करते हैं वो डिजिट खुद ही वो अपना फेस वैल्यू होता है. एग्जाम्पल देख के हम लोग समझेंगे. हमने सेम जो एग्जाम्पल लिया था अभी 256, यहाँ पे 256 ही हम एग्जांपल ले रहे हैं. 256 अगर हमको यहाँ फेस वैल्यू फाइंड करना है 2 का फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 2 का 2 ही होगा. फेस वैल्यू ऑफ 5 जो है वो 5 होगा और फेस वैल्यू ऑफ 6 जो है वो 6 होगा. यहाँ पे इसके प्लेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 625. यहाँ हमने नंबर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया है. वन्स प्लेस के डिजिट को मैंने 100 प्लेस पे कर दिया है, 100 प्लेस के डिजिट को 10th पे और 10th प्लेस के डिजिट को 1 प्लेस पे कर दिया है यूनिट प्लेस पे. तो यहाँ डिजिट इंटरचेंज होने के बाद प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगा बट फेस वैल्यू सेम रहेगा. यहाँ फेस वैल्यू 5 का 5 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा और 6 का 6 ही रहेगा. लेकिन जब हम प्लेस वैल्यू की बात करेंगे, प्लेस वैल्यू,
तो प्लेस वैल्यू जो 6 का है, क्योंकि 6 हमारा 100 प्लेस पे है, 6 × 100 600 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू 2 का जो है वो 2 × 10 20 हो जाएगा, और 5 का जो है वो 5 × 1 5 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो प्लेस है, जब हमने प्लेस चेंज किया तो प्लेस वैल्यू चेंज हो गया, बट फेस वैल्यू रिमेन्स सेम। फेस वैल्यू नेवर चेंज, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। जो डिजिट दिया हुआ है उसका फेस वैल्यू वो खुद होता है, लेकिन उसके प्लेस के आधार पे उसका प्लेस वैल्यू चेंज होता है। नाउ द अदर टॉपिक इज एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। हाउ वी राइट गिवन नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, लेट अस सी। Here a number is given, we have to write the number in expanded form. Expanded form में कैसे लिखेंगे, जो भी number दिया हुआ है उसको उसके place value के साथ, हर digit को उसके place value के साथ लिखेंगे। यहाँ 8 जो हमारा है वो कितने place पे, देखिए 1, 10, 100, 1000, 10000, 10 lakh, 10 lakh के place पे है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 8 के बाद 3 और 3 6 0, हम 3 और 3 6 0 लिख दिए। सिमिलरली 5 के बाद हमको लिखना पड़ेगा 5 0, आफ्टर 6 4 0, देन 2 इज गिवन ईयर फॉलोड बाय 3 0, 4 इज फॉलोड बाय 2 0, 3 इज एट 10th प्लेस सो वी कैन राइट ईयर 10 30, एंड लास्टली 2। This is the expanded form. See one more example. Here, after 4 there are 7 digits. So we can write 4 followed by 7 0. After 6 there are 6 digits, so we can write 6 followed by 6 0. Eight followed by 5 0. 9 followed by 3 0. Here 0. 0. We can write it 0 or 0 followed by 2 0. Anything. We can skip this. इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ऐड करने पे किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करते हैं तो कुछ भी चेंजेस नहीं आता है। अगर चाहें तो यहाँ 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। आफ्टर 50 देयर आर ओनली 1 डिजिट सो वी कैन राइट इट 50 एंड देन 1। सिमिलरली व्हेन एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन हाउ कुड वी राइट द शॉर्ट फॉर्म, लेट अस सी। Short form. You can write here 6, 5, 4, 3, 2, 1. After 2, here is 1 0. After 3, 2 digits, so here is 2 0. After 4, there are 3 digits, so there are 3 0. After 5, 4 digits, so 4 0. 6, there are 5 digits, 5 0. So we can write in short form like this. Okay. Now the next topic is order relation. ऑर्डर रिलेशन, और इसको सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि जब हम लोग को कोई भी दो डिजिट्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में कंपेयर करना है, हाउ कुड वी कंपेयर, किस तरह से कंपेयर करेंगे। इफ टू नंबर्स आर गिवेन देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू काउंट द डिजिट्स। इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट देन द ग्रेटर द नंबर कंटेंट्स मोर डिजिट्स इज ग्रेटर
and the numbers contain less digits is smaller. Look at one example. Which is greater? If the question is which is greater, okay, here 6 7 4 5 3 2 0 1 and the second number is 6 7 4 3 5 2 1. Okay, we see here 6 6 7 7, but how could we compare? First of all, we have to count the digits. How many digits in this number? 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 digits, and in this number there are 3 3 6 and 1 7 digits. 7 digits. So the number containing more digits is greater. So this is greater than this. But if the number of digits are same, what can we do? See it by an example. 8 2 3 4 5 6 4 7 8 6 5 2 4 3. Okay, count the number of digits. There are 3 3 6 and 7, 7 digits, and there are also 7 digits. Now what we can do? Both numbers contain same digits, same number of digits. दोनों ही number के पास same number of digits है. अब क्या करेंगे हम लोग? जब इस तरह का situation आएगा तो हमें जो compare करना है number को from left most side. Starting से number को compare करेंगे. Here it is 8, here it is 7. We know that 8 is greater than 7. So this is greater than this. Okay, one last example I give you here. 6 3 4 8 2 9 0 1 6 3 4 7 3 8 9 9 3 3 6 7 8 digits. Here also 8 digits. So we can compare the number 6 6 3 3 4 4, but here is 8 and here is 7. So this is greater because 8 is greater than 7. Starting के तीन number हमें same मिले, लेकिन जैसे ही हम fourth digit पे गए तो चौथा digit जो है वो हमें इस side greater मिला, इसलिए ये number जो है हमारा greater हो गया इससे. Okay, I hope you understand today's topic. So go through the exercise and solve the questions. Thank you.